Assalamualaikum my two family, आप लोग कैसे हो। और आज की वीडियो में आप लोगों के साथ बहुत ही मज़े का और कम टाइम में बनने वाला मटन की एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो वीडियो को पूरा देख के स्किप मत कीजिए। तो यहाँ पे मैंने 1.5 किलो मटन लिया है और उसको अच्छी तरह से वॉश करके मैं उसका सारा पानी निचोड़ के एक बोल में निकाल लिया है। और उसी के साथ मैंने यहाँ पे छोटा सा इसकी 2 प्याज का पेस्ट मैं डाल रही हूँ। और उसी के साथ मैं डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, करीबन 2 टेबलस्पून मैंने डाल दिया है। और अगर आप कम बना रहे हो तो कम ही डाल सकते हो। और उसी के साथ जाएगा यहाँ पे हमारा नेक्स्ट जो है ड्राई मसाला मैं डालूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डाल रही हूँ करी पाउडर, मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून डाल दिया है। और उसी के साथ कुटा हुआ लाल मिर्च का पाउडर मैंने 1/2 टीस्पून डाला है। और ये जो मटन है बहुत कम टाइम में बनेगा लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनेगा, तो वीडियो में सब कुछ आप लोगों को दिखाऊंगी। और उसके बाद मैंने डाला है 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, और उसी के साथ मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है। और मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो। और साथ ही मैं डालूँगी बाकी का जो मसाला है, मैं यहाँ पे धनिया पाउडर 1 टीस्पून डाल दिया है। और उसी के साथ मैंने 1/2 टीस्पून डाला है किचन किंग मसाला। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून मैंने केचप डाला है। तो अगर आप लोग कम बना रहे हो तो कम ही डाल सकते हो, लेकिन मैं 1.5 किलो के हिसाब से डाल रही हूँ। और सब कुछ डालने के बाद मैं लास्ट में डालूँगी गरम मसाला मैंने डालूँगी। तो यहाँ पे मैंने 2 तेज़पत्ता को तोड़ के डाल दिया है। और यहाँ पे मैं गरम मसाला 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ, क्योंकि मैं जो गरम मसाला यूज़ कर रही हूँ उसका जो फ्लेवर है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ। ज़्यादा होने से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आ जाएगा। और अगर आप लोग नॉर्मल मसाला गरम मसाला जो यूज़ करते हो वो आप 1 टीस्पून भर के डालिए, क्योंकि मैं एकदम अच्छी क्वालिटी का बहुत ही अलग गरम मसाला यूज़ कर रही हूँ, तो इसलिए उसका जो फ्लेवर है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा मैं कम ही डाला है। और अभी है मिक्सिंग का बारी, तो मैं हाथ को बहुत अच्छी तरह से क्लीन किया है। और उसके बाद मैं सारे मटन को अच्छी तरह से मिक्स करके 1/2 घंटे के लिए साइड में रख दिया है। और दूसरी साइड में मैंने यहाँ पे कुकर लिया है, क्योंकि कुकर में कम टाइम लगेगा और बनाने के लिए, तो मटन अच्छी तरह से कुक हो जाएगा। तो उसके लिए मैंने 1/3 कप ऑयल लिया है, क्योंकि मटन में थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा यूज़ होता है। और उसी के साथ मैंने 2 बड़े साइज़ की प्याज को मैंने चॉप किया है और वो डाल दिया है। और प्याज को मैं हल्का सा सॉटे करूँगी, ज़्यादा भुनने की या फिर गोल्डन ब्राउन की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा सॉटे होने के बाद या फिर जो मटन हमने मैरिनेट करके रखा था तो वो मैं सारा डालूँगी। तो एकदम सिंपल मसाला मैं यूज़ कर रही हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा होटल में जैसा।
तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलूंगी अपने साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।